हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्पार्क एडुकॉप। और बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। और इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं उस आपने रिलेटिव एरर्स के बारे में पढ़ा है, एरर्स के बारे में पढ़ा है, सिस्टमेटिक एरर्स क्या होते हैं, ग्रॉस एरर क्या होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर के बारे में आपने पढ़ा, और मैथामेटिकल कैलकुलेशन कैसे होती है। अब बेटा, आज वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि अगर मेरे बच्चे सिमिलर क्वांटिटीज़ को अगर हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या बच्चे एक्सपोनेंट पावर अगर मेरी होगी उनकी, तो बच्चे हम उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ये बच्चे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्योंकि आपके जितने ही प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं वर्नियर कैलिपर को लेकर या बच्चे स्क्रू गेज को लेकर, तो उससे रिलेटेड बच्चे आपको जो प्रॉब्लम्स आती है वो आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन एरर्स में आपको मिल जाती है। और इससे रिलेटेड आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम बच्चे कराएंगे जब हमारा सिलेबस का जब बच्चे लास्ट पार्ट चलेगा, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट चलेगा, तो बच्चे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एडवांस के और जेई मेंस में जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा अलग होता है, आपको प्रैक्टिकल वे में समझना होता है वहाँ पे कि वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड हमारे जो प्रॉब्लम्स आती है उसको हम किस तरीके से सिम्प्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बच्चे पहले अगर हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स की, तो यहाँ पर बच्चे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स आपको थ्री टाइप्स के मिलेंगे, ठीक है। थ्री टाइप्स का मतलब बच्चे क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बच्चे आपको एरर ऑफ सम, मतलब आपके जो एरर्स होते हैं, अगर मैं दो क्वान्टिटीज़ का सम करता हूँ, ठीक है, दो क्वान्टिटीज़ का अगर बेटा मैं क्या करता हूँ, सम करता हूँ, तो वहाँ पर जो एरर्स मुझे प्रोड्यूस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस, ठीक है। तो अगर मैं बच्चे यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपका, लेट के बच्चे मेरे पास एक क्वांटिटी है ए इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, दैट मीन्स कि जो आपका ए है यहाँ पर मेन वैल्यू देगा, ए एम देगा, और डेल्टा ए आपको क्या देगा बेटा, डेल्टा ए आपको देगा मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्लियर। और ए क्वांटिटी मेरी रिप्रेजेंट होगी, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं बेटा उनको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इन टर्म ऑफ मीन, इन टर्म ऑफ मीन और इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट मीन आप बेटा यहाँ पर इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बच्चे हम बात करेंगे मेरे पास दो क्वांटिटीज़ हैं ए एंड बी, ठीक है, तो मुझे ए और बी का बच्चे दोनों पार्ट गिवन होगा, आपको यहाँ पर बच्चे इसमें दिखा भी रखा है आपको यहाँ पर, क्लियर, ए और बी जो दो क्वांटिटी ऐड करनी है, और थर्ड क्वांटिटी जो बच्चे मुझे मिल रही है क्या मिल रही है, जेड, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे हम करके आ सकते हैं, हमारे पास दो कंडीशन बन सकती हैं। पहली कंडीशन बन सकती है कि z इज इक्वल टू अगर मैं a प्लस बी करूँ, और z इज इक्वल टू मैं करूँ बेटा a माइनस बी, ठीक है। अगर मैं दोनों क्वांटिटी देखता हूँ तो मुझे इस कंडीशन में अगर एरर निकालना है, एंड आई नो कि बेटा a और b दोनों क्वांटिटीज़ में एरर है, ठीक है, और मैं उन दोनों का बेटा सम और डिफरेंस निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे सबसे पहले कि ए और बी जब मैं ऐड करूँगा तो बच्चे क्या होता है, अगर मैं जेड निकाल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर बच्चे आप देख रहे होंगे यहाँ पर मुझे जेड मीन भी मिल रहा है और एब्सोल्यूट मीन ऑफ जेड भी मिल रहा है, तो मुझे दोनों क्वांटिटीज देखनी है। अगर बेटा मैं यहाँ से जेड मीन निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, जेड मीन, ठीक है, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे यहाँ इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में, आपको बेटा ए गिवन है, यानी कि क्वांटिटी ए के अंदर जो मीन वैल्यू वो मुझे गिवन है, क्वांटिटी बी के अंदर जो मीन वैल्यू वो मुझे गिवन है, तो जेड मीन कैसे निकलेगा, अगर मैं एडिशन की बात करूं बेटा, किसकी बात करूं, एडिशन की, ठीक है, तो एडिशन में जेड मीन कैसे निकलेगा, जेड मीन निकलेगा बेटा ए मीन प्लस बी मीन, क्लियर। यहां से मीन दोनों ऐड कर देंगे तो इन दिस फॉर्मूला है ना, ए गिवन है, बी गिवन है, तो आप ए और बी भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और जो हमने पढ़ा है हम उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो मीन वैल्यूज यहाँ पर मेरी पुटअप होंगी ए और बी, क्लियर। और अगर मैं इसको सिंपली लिखूँ तो क्या लिखूँगा, ए प्लस बी, क्लियर। अगर बच्चे हम बात करेंगे एब्सोल्यूट मीन ऑफ जेड ना, एब्सोल्यूट मीन ऑफ जेड, तो वो मुझे क्या मिलेगा एडिशन के कंडीशन में, डेल्टा ए एम प्लस डेल्टा बी एम, और अगर मैं इसको और सिंपलीफाई करूँ तो वो मुझे क्या मिलेगा बच्चे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है। तो एडिशन में क्या होगा कि जो मेरा जेड एम है वो ए प्लस बी मिलेगा, क्योंकि एडिशन की कंडीशन में ऐड होगा, और जो एरर है एब्सोल्यूट मीन एरर वो भी मुझे क्या मिलेगा बेटा, एडिशन होकर मिलेगा। इतनी बात तो बच्चे क्लियर हो जाएगी। और अगर मैं इसमें थोड़ा सा और ध्यान से देखूँगा आपको बच्चे बताता हूँ, तो यहाँ पे होगा क्या कि आपका बच्चे जेड होगा, जेड जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड एम प्लस माइनस डेल्टा जेड एम,
ठीक है। तो यहाँ से बच्चे आपको प्लस माइनस, यहाँ से आपको एरर वैल्यू मिल गई, यहाँ से बेटा आपको मेन वैल्यू मिल गई, यहाँ से आपको जेड मिल जाएगा। तो कोई भी क्वांटिटी किस टर्म में लिखी जा सकती है, उसकी मेन वैल्यू और उसका एब्सोल्यूट मेन का सम, ठीक है। तो यहाँ से दो पार्ट आपको मिल जाएंगे, आपको मेन वैल्यू मिल जाएगी, इसको हम एल सी वैल्यू भी बोलते हैं, लीस्ट काउंट वैल्यू भी बोलते हैं, एरर वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपकी मेन वैल्यू है, तो मेन प्लस माइनस एल सी वैल्यू और एरर वैल्यू आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एडिशन के ड्यूरेशन में आपको ये प्रोसीजर अप्लाई करना है। बट इन केस कि अगर मुझे बच्चे सब्ट्रैक्शन करना है, ए माइनस बी करना है, तो क्या होगा वो भी समझ लेते हैं कि ए माइनस बी करने में बेटा आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे ए माइनस बी करने पर जो मेन वैल्यू है, ए माइनस बी करने पर जो मेन वैल्यू है बेटा, जहाँ हम एडिशन का साइन लगा रहे थे वहाँ तो बेटा आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मेन वाली कंडीशन में। बट जो आपका एरर वैल्यू होगा, डेल्टा जेड एम होगा, ठीक है, वो कितना मिलेगा आपको, डेल्टा ए एम प्लस डेल्टा बी एम। तो यहाँ से बच्चे हमें क्या क्लियर होगा कि अगर बेटा हम दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट भी करें, दो क्वांटिटी को हम क्या करें बेटा, सब्ट्रैक्ट भी करें, तो उस कंडीशन में हमारा एरर वैल्यू क्या जाता है, ऐड हो जाता है, एरर वैल्यू क्या जाता है, ऐड। तो एरर वैल्यू एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की कंडीशन में ऐड होगा, ये वाली बात आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन फाइनली ये बनती है कि हमारा जो हमें रिमेंबर नोट पॉइंट हमारा ये होगा कि चाहे सब्ट्रैक्शन हो या बेटा एडिशन हो, दोनों ही कंडीशन में आपका एरर वैल्यू जो निकलेगा, यानी कि मेन वैल्यू जो आपकी आएगी एरर, है ना, मेन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर, वो आपका ऑलवेज क्या होगा, ऐड होगा। तो आपको जेड की कंडीशन में से याद रखनी है, वरना एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मेन वैल्यूज होगा वो तो बेटा सब्ट्रैक्ट भी होगा और वो एडिशन भी होगा। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में सब्ट्रैक्ट और एडिशन की कंडीशन में ऐड, बट मेन वैल्यू ऑलवेज क्या होगी बेटा, ऐड होगी। ये हमारा याद रखने वाली बात है, ये नोट पॉइंट है, यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक्स होती है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स भी लेंगे इसके और समझेंगे फिर इसको बच्चे आगे। नेक्स्ट बच्चे कंडीशन हमारी बनती है किसकी, एरर ऑफ प्रोडक्ट। अगर बेटा मैं दो क्वांटिटी, मेरे पास ए और बी गिवन है, ए और बी गिवन है, ठीक है, और मैं उनको बच्चे ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, या बच्चे मैं उनका डिवीजन करूँ, सॉरी मैं बच्चे क्या करूँ, वहाँ पे दो क्वांटिटीज़ का ऐड करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ, वो तो हमने पढ़ लिया। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या बनती है, थर्ड कंडीशन बनती है बच्चे हमारी कि अगर मैं दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट करूँ या उनका डिवीजन करूँ तो मेरा क्या मिलेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पर जेड की कंडीशन बनती है कि मैं अगर ए इंटू बी कर रहा हूँ तो मुझे एरर क्या मिलेगा, या फिर बच्चे मैं जेड इज इक्वल टू ए बाई बी करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा। तो इस कंडीशन में याद रखेंगे कि अगर बेटा हम प्रोडक्ट या डिवीजन करते हैं तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या निकालना होता है, रिलेटिव एरर, ठीक है, क्या कैलकुलेट करना होता है आपको, रिलेटिव एरर। ये वाली बात बच्चे याद रखें कि रिलेटिव एरर आपको निकालना होता है किस कंडीशन में, आपके मल्टीप्लिकेशन कंडीशन में, यानी कि प्रोडक्ट की कंडीशन में और डिवीजन की कंडीशन में, ठीक है, जब आप क्वेश्चन निकाल रहे होते हैं तब। तो अगर बच्चे हम इसको सिंपल सिंपल वे में समझेंगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। याद रखने वाली बात ये है कि दोनों ही कंडीशन में आपको रिलेटिव एरर इसी फॉर्मूले से निकालना है, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, मेन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, नीचे क्या मिल जाएगा बच्चे, मेन मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ ए, दिस इज द रिलेटिव एरर ऑफ बी, ये आपको फॉर्मूले में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो ये वाली बात बच्चे आपको बिल्कुल सिंपल क्लियर होगी कि प्रोडक्ट की कंडीशन में और डिवीजन की कंडीशन में आपको बच्चे रिलेटिव एरर ही निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे हम बात कर लेते हैं किसकी, एक्सपोनेंट कंडीशन की। एक्सपोनेंट कंडीशन बच्चे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कैसे क्यों है बच्चे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बच्चे आते ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे मैंने एक इक्वेशन आपको यहाँ पर दे रखी है, जेड इज इक्वल टू ए की पावर एम, बी की पावर एन, सी की पावर क्यू। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ए और बी तो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट सी बेटा क्या कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा मैंने ये जो एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, दिस इज मिक्स एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट एज वेल एज, क्लियर। अब अगर यहाँ पर समझेंगे हम तो क्या है बच्चे, ए की पावर एम है, बी की पावर एन है, सी की पावर क्यू है। अगर हम इसको बच्चे फॉर्मुलेटेड करते हैं या फॉर्मूला देखते हैं इसका बच्चे, तो फॉर्मूला सिंपल है कि आपको बेटा इस कंडीशन में भी, यानी कि एक्सपोनेंट की कंडीशन में भी, आपको क्या निकालना है बेटा, रिलेटिव एरर निकालना है, ठीक है। आपको बेटा क्या निकालना है, रिलेटिव एरर ऑफ जेड। तो रिलेटिव एरर ऑफ जेड अगर बच्चे यहाँ से आप निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी रिस्पेक्टिव पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी विद देयर रिलेटिव एरर्स। तो ए का रिलेटिव एरर बच्चे ये रहा, इसमें मैंने इसकी पावर कितनी थी, एम थी, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस
अगर हम बात करेंगे इसकी बी की पावर कितनी थी बेटा एन, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया बी के रिलेटिव एरर को एन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सी की पावर कितनी है बेटा क्यू, हमने यहाँ पर क्या किया बेटा सी के रिलेटिव एरर को क्यू से बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर। अब इन्हीं फॉर्मूलेज को बेटा हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई कर देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा आपका कि टू रेजिस्टेंस आर गिवन आर वन एंड आर टू। क्लियर। तो यहाँ पर बेटा आपको आर वन गिवन है, आपको आर टू गिवन है, ठीक है। और बेटा क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब बेटा आपको 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और वहाँ पर दो फॉर्मूले पढ़े होंगे। एक तो पढ़ा है बेटा सीरीज का, सीरीज का फॉर्मूला क्या पढ़ा है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री सो ऑन अप टू आर एन, ठीक है। तो आप nth रेजिस्टेंस ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और सेकंड कंडीशन आती है बेटा पैरेलल की, तो पैरेलल की कंडीशन में क्या बनता है वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन अप टू वन अपॉन आर एन। क्लियर। अब अगर बच्चे हम इस चीज़ को थोड़ा सा और समझेंगे, इस चीज़ को थोड़ा सा और समझेंगे तो बच्चे आपको क्या मिलेगा यहाँ से, हमें बच्चे सीरीज की कंडीशन में इक्विवेलेंट निकालना है। किसी कंडीशन में निकालना है सीरीज की कंडीशन में कितने रेजिस्टेंस की बने बेटा हमें दो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसी को बोलते हैं बेटा। यहाँ पर जो दे रखा है ना आर एस और आर पी, दिस इज नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और हम ये कह सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर। आपको बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू किस में गिवन होती है, ओम्स में गिवन होती है। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको ओम्स में गिवन है, आप यूनिट देखकर पता लगाते हैं कि क्वांटिटी हमारी कौन सी है, ठीक है ओम्स। क्लियर। अब अगर बच्चे हम लगाते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, तो हमें क्या करना है एडिशन करना है। तो हम यहाँ से बच्चे अगर आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा आर वन प्लस आर टू। क्लियर। अब बच्चे हम बात करते हैं अपने फॉर्मूले की, कि हम एडिशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एडिशन में अगर बच्चे आप ध्यान से देखें तो हमने मेन निकाला था सबसे पहले, तो अगर मैं यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की बात करूँगा तो आर इक्विवेलेंट जो मुझे मिलेगा बेटा कितना मिलेगा, आर इक्विवेलेंट मुझे दो चीज़ें देखनी है, आर मेन देखना है प्लस माइनस डेल्टा आर मेन देखना है, मुझे दो चीज़ें निकालनी है। क्लियर। अब यहाँ से बच्चे अगर क्वेश्चन देखें तो मुझे आर वन कितना गिवन है, मुझे आर वन गिवन है 100 प्लस माइनस 3। क्लियर। और बेटा आपको आर टू कितना गिवन है, आर टू गिवन है बेटा 200 प्लस माइनस 4। क्लियर। यहाँ से मुझे आर वन का मीन पता है, आर वन का मीन पता है, और यहाँ से मुझे आर टू का मीन पता है। तो हम क्या करेंगे सिंपली आर मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे आर वन मीन प्लस आर टू मीन, ठीक है। और अगर इसको बच्चे और सिंपल वे में समझेंगे तो आर इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा, आर इक्विवेलेंट जो आपको मिलेगा कितना मिलेगा बेटा आर वन मीन प्लस आर टू मीन, ठीक है, प्लस माइनस एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चे मुझे क्या गिवन है, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, यहाँ पर आपको गिवन है डेल्टा आर वन मीन, और यहाँ पर ये वाला पार्ट आपको क्या गिवन है डेल्टा आर टू मीन। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे बेटा इन दोनों का एडिशन, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो एरर ऐड होता है, ये वाली बात क्लियर होगी आपको। तो डेल्टा आर वन मीन प्लस डेल्टा आर टू मीन सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा बेटा, आर वन मीन की वैल्यू 100 गिवन है तो 100 प्लस 200 प्लस माइनस, और डेल्टा आपको कितना गिवन है बेटा आर वन गिवन है 3 प्लस 4, तो एरर कितना आ जाएगा आपका 7 प्लस माइनस 300। क्लियर, ये मत क्लियर है, दिस इज योर आर इक्विवेलेंट। बहुत सिंपल है, यहाँ से आपको बच्चे आर मीन मिल जाएगा और यहाँ से बच्चे आपको मिल जाएगा डेल्टा आर, यहाँ से हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ एरर, इन टर्म ऑफ एरर और टोटल रेजिस्टेंस वो आपको यहाँ से मिल जाएगा इन सीरीज कंडीशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, कह रहे हैं बच्चे हमें परसेंटेज एरर दे रखा है, ठीक है। द परसेंटेज एरर ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ रेडियस इज गिवन, तो बेटा आपको क्या गिवन है, किसी परसेंटेज गिवन है आपको किसी स्फीयर का, ठीक है, रेडियस का परसेंटेज गिवन है। दैट मीन्स बेटा आपको परसेंटेज गिवन है, तो परसेंटेज गिवन कैसे होता है बेटा डेल्टा आर बाय आर इंटू में 100, और वो कितना गिवन है बेटा आपको 1.5%। क्लियर। अभी बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, व्हाट वुड बी द परसेंटेज एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर बच्चे ये आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अगर हम समझते हैं तो बेटा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना आता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर आता है 4/3 πr³। क्लियर। और बेटा सरफेस एरिया कितना आता है, तो एरिया की बात करें बच्चे 4πr²
इतनी बात क्लियर है यहाँ। अब यहाँ पर देखिए बच्चे कि आपको दो टर्म नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, 4/3 और पाई। तो बेटा ये दोनों अगर आपको आपने पढ़ा हो तो ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है और किसी भी नंबर में कोई एरर नहीं निकलता, किसी भी नंबर में कोई एरर नहीं निकलता। तो 4/3 में कोई एरर नहीं होगा और पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, तो इसमें भी कोई एरर नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, यहाँ से एक बात और याद रखेंगे, किसी भी कॉन्स्टेंट वैल्यू में कभी भी कोई एरर नहीं आता। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर 4/5 में भी कोई एरर नहीं आएगा, सिंपली आर में एरर आएगा। क्लियर। अगर इसके बच्चे हम आगे बात करेंगे तो क्या यहाँ से क्या क्लियर होगा, यहाँ क्वेश्चन में बच्चे आपसे सिर्फ वॉल्यूम के परसेंटेज एरर पूछा हुआ है, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर पूछा हुआ है, बट क्वेश्चन में बच्चे एरिया का परसेंटेज एरर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम बच्चे अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको बच्चे यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो क्या नज़र आएगा, वॉल्यूम मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि मुझे वॉल्यूम में रिलेटिव एरर निकालना है। मैंने अभी आपको एक्सपोनेंट की कंडीशन बताई थी, एक्सपोनेंट की कंडीशन है मैंने आपको बताया बच्चे कि जो पावर्स होती है मेरी पावर्स, ठीक है, रिलेटिव एरर्स में जो पावर होती है बेटा वो पावर की ही मल्टीप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखनी है। ठीक है, अगर हम बच्चे अपने क्वेश्चन पर आते तो यहाँ पर आर की पावर कंडीशन में आपको 3 गिवन है और दूसरी कंडीशन में 2 गिवन है। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँगा तो एक्सपोनेंट कंडीशन बन रही है क्योंकि आर की पावर 3 है, तो एक्सपोनेंट कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, वॉल्यूम में रिलेटिव एरर निकालेंगे या वॉल्यूम का परसेंटेज एरर निकालेंगे। तो वॉल्यूम का परसेंटेज एरर कितना मिलेगा बेटा आपको, ये मिलेगा 3%, दैट इज पावर ऑफ 3 ना, आर की पावर 3, 3 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ आर इन टू में 100। ठीक है, समझ आ रही बात, क्योंकि यहाँ पर बच्चे परसेंटेज एरर निकाल ले, परसेंटेज एरर में क्या करते हैं बेटा, लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई होता है इन योर रिलेटिव एरर। यहाँ पर जो 100 से मल्टीप्लाई किया ये लिए बात तो क्लियर होगी, आर की पावर यहाँ 3 थी तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिलेटिव एरर कितना ले लिया, डेल्टा आर बाय आर। अब यहाँ से अगर बच्चे आपको जो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना गिवन है मुझे, डेल्टा आर बाय आर यानी कि परसेंटेज एरर ऑफ रेडियस कितना गिवन है, 1.5% इनटू में बेटा क्या 3 और यहाँ पर बेटा प्लस माइनस। क्लियर है, यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 4.5% प्लस माइनस, ये आ गया बेटा आपका वॉल्यूम में परसेंटेज एरर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर बच्चे हम आगे चलेंगे, मुझे मान लो एरिया की कंडीशन में निकालना है, मुझे एरिया की कंडीशन में निकालना है, तो एरिया कंडीशन में परसेंटेज एरर अगर मैं निकालूँ तो कितना आएगा, डेल्टा ए बाई इन टू में 100 इज इक्वल टू कितना बेटा, इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना, पावर कितनी है 2, तो हम क्या क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिलेटिव एरर लेंगे आर का, कितना डेल्टा आर बाई आर इन टू में 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका कितना बनेगा बेटा, ये आपको 1.5 दे रखा है और ये बेटा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और सिंपली आपको बच्चे क्या करना है यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 3%। तो प्लस माइनस 3% का मतलब है कि आपके एरिया में 3% का एरर इंक्रीमेंट भी हो सकता है और डिक्रीमेंट भी हो सकता है, प्लस का मतलब इंक्रीमेंट और माइनस का मतलब डिक्रीमेंट। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट हमारा बच्चे एक्सपोनेंट एरर ऑफ एक्सपोनेंट की कंडीशन डायरेक्ट आपको यहाँ पर दे रखी है। आप यहाँ पर देखें बच्चे, तो आपको जेड की कंडीशन दे रखी है, जेड का एक फॉर्मूला दे रखा है आपको यहाँ पर। ठीक है, ए की पावर 4 दे रखी है, बी की पावर 1/3, सी की पावर 1, डी की पावर 3/2, और बेटा क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी एंड सी, है ना, ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, आपको ए का परसेंटेज एरर गिवन है, दैट मीन्स आपको बेटा क्या गिवन है, जो आपको ये 4% गिवन है, 4% गिवन है डेल्टा ए बाय ए इन टू में 100, 2% जो गिवन है बेटा डेल्टा बी बाय बी इन टू 100, और जो 3% गिवन है बेटा क्या गिवन है, डेल्टा सी बाय सी इन टू 100, और 1% डेल्टा डी बाय डी इन टू 100। और आपको बेटा निकालना क्या है, डेल्टा जेड बाय जेड इन टू 100, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल सा एक्सपोनेंट की कंडीशन का, जो भी पावर होती है उसके रिलेटिव एरर के साथ क्या जाती है पर्टिकुलरली मल्टीप्लाई। तो अगर बच्चे हम प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है, डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, ए का रिलेटिव एरर बच्चे पावर कितनी है 4, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू में डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस बी की पावर कितनी है बेटा 1/3, तो 1/3 इंटू में
डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस सी की पावर कितनी बेटा 1, तो 1 इंटू में डेल्टा सी बाय सी इंटू 100, क्लियर, प्लस डी की पावर कितनी बेटा 3/2, तो 3/2 डेल्टा डी बाय डी इंटू 100, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर बच्चे आपको ए बी एंड सी एंड डी है ना, इन सभी के रिलेटिव एरर्स गिवन है, परसेंटेज एरर गिवन है, तो वी पुटिंग द वैल्यू, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चे प्लस माइनस 4 इंटू में 4% प्लस 2 इंटू में 1/3 इंटू में 2% प्लस डेल्टा सी कितना गिवन है बेटा 3% और डेल्टा डी कितना गिवन है बेटा आपको 3/2 इंटू में 1%। नाउ सॉल्व इट एंड यू फाइंड इट द एरर्स इन जेड, क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।